हेलो बच्चों, हेलो, मैं श्रीमती आशा द्विवेदी आज आपका 11th क्लास के लिए क्रमचय संचय लिखकर हम लोग, जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रमचय संचय। यदि हमें इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाए तो इसके क्वेश्चन करना कोई। तो शाब्दिक अर्थ को अगर लें तो क्रमचय और संचय, क्रम यानी अरे सीक्वेंस और चय यानी चयन। तो सबसे पहले अगर देखें क्रमचय, इस शब्द का अर्थ है कि क्रम से चयन करना, यानी कोई भी दी गई चीजों का अरेंजमेंट करना। संचय, संचय यानी समूह, सं से समूह और चय यानी चयन, यानी समूह का चयन करना, यानी भिन्न भिन्न तरीकों से ग्रुप बनाना। तो ये जो है शाब्दिक अर्थ है, शायद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक उदाहरण लेती हूँ। जैसे आपको मान लो 1 से लेके 6 अंक तक की संख्याएं दी हैं। अब आप इनको 6 अंकों से ही कितने प्रकार से इनको जमा सकते हैं, यानी क्रम से कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यह क्रमचय के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि 15 लोग हैं और एक क्रिकेट टीम बनाना है, यानी 15 में से आप जानते ही हैं क्रिकेट की टीम के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 11। तो 15 में से जो हम 11 लोगों का समूह बनाएंगे, यह संचय के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, यह क्रमचय और संचय का शाब्दिक अर्थ। लेकिन हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा, गणना का आधारभूत सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है, गणना का आधारभूत सिद्धांत? अभी हम समझने जा रहे हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत से क्या मतलब है? जैसे आपको एम पहले एक और उदाहरण लेते हैं, पैंट शर्ट। जैसे एक किसी बच्चे के पास 2 पैंट और 3 शर्ट, तो वो क्या करेगा, पहला पैंट चुनेगा या दूसरा पैंट चुनेगा? वो क्या करेगा कि इस पैंट के साथ इन 3 शर्ट में से, इन 3 शर्ट में से कोई एक शर्ट चयन करता है। यानी अगर पहले पैंट के साथ पहली शर्ट चयन करता है तो वह जोड़ा कहलाएगा P1 S1। यदि वो पहले पैंट के साथ दूसरी शर्ट का चयन करता है तो यह जोड़ा कहलाएगा P1 S2। या पहले पैंट के साथ वह तीसरी शर्ट का चयन करता है तो यह जोड़ा कहलाएगा P1 S3। सिमिलरली अगर वह दूसरा पैंट लेता है तो उसके पास वही 3 शर्ट है। अब वो दूसरे शर्ट पैंट के साथ पहली शर्ट चुन सकता है, यानी P2 S1, या दूसरे पैंट के साथ हो सकता है, या दूसरे पैंट के साथ वह तीसरी शर्ट का चयन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपना सिलेक्शन 2 पैंट और 3 शर्टों को लेके कितने प्रकार से कर सकता है, गिने 1 2 3 4 5 6। तो यही गणना का आधारभूत सिद्धांत है,
यानी पहले एम वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, यदि और उसको ऑप्शन एन दे दिए गए हैं तो फिर वह उन एन वस्तुओं में से सिलेक्शन करेगा। इस प्रकार उसके पास चयन के लिए कुल एन इंटू एन प्रकार से वह। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े और इसके आगे मान लो पहले वो एम वस्तुओं का सिलेक्शन कर रहा है, फिर एन वस्तुओं का सिलेक्शन कर रहा है, फिर वो पी वस्तुओं कर रहा है, तो उसके लिए सिलेक्शन के प्रकार हो जाएंगे एम टू एस। यानी यह आधारभूत गणना का सिद्धांत है। इसे हम अभी क्रमचय के किसी सूत्र से नहीं जोड़ रहे हैं बच्चों। यदि हम ध्यान से समझें तो हमारे लिए क्रमचय संचय बहुत आसान होगा। यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मुख्य टॉपिक है। यदि इसे हमने बेसिक से समझ लिया तो हमारे लिए आगे आसान होगा। तो हम एनसीईआरटी की आपको बुक मिली है स्कूल से, और हमारा कोर्स भी अब एनसीईआरटी हो गया है, तो हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे आधारभूत सिद्धांत से हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके पास लिख के लाई हूँ, इस बीच आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, एनसीईआरटी अगर बुक हो आपके पास तो हम सभी क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही है। यहाँ हमें एक से लेके पांच तक के अंक दिए हुए हैं। अब इन पांच अंकों में से कोई भी तीन अंक लेकर हमें एक संख्या बनानी है। अब हमें दो शर्त दी है कि जो पांच अंक दिए हैं उनमें से या तो अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो अब हम देखें, प्रश्न समझने की कोशिश करिए बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से नहीं देखते हैं या नहीं समझते हैं, इसीलिए आपको इसके क्वेश्चन कठिन लगते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिख रहा है एनसीईआरटी बुक का, है एक से लेकर यदि हमें पांच तक के अंक दिए हैं, अर्थात एक दो तीन चार पांच, हमें तीन अंकीय संख्याएं बनानी है। आप यानी इनमें से किन्हीं तीन अंकीय संख्याओं के लिए कितने स्थान होंगे, हम इकाई से जमाना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सेकंड, यानी हमें तीन संख्या चुनना है पांच में से। तो हम देखें पहले वाले प्रश्न को अगर गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी अंक रिपीट किया जा सकता है। तो देखें हमने ये रफ बना लिया खाका, हमें इन तीन डब्बों में तीन संख्याएं। तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक भरने के लिए कितने ऑप्शन है, ऑप्शन यानी हमें कितनी संख्याएं हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी इकाई के अंक को हम पांच प्रकार से भर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दहाई के अंक को भी, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी इनमें से कोई रिपीट हो सकता है, तो दहाई के अंक भरने के लिए भी हमारे पास कुल कितने प्रकार है, पांच। ठीक इसी प्रकार सैकड़े के अंक भरने के लिए भी हम इनमें से कोई पांच संख्याएं चुन सकते हैं, तो उसके भी कुल कितने प्रकार हो गए, पांच। और अभी हमने देखा ये जो आधारभूत सिद्धांत है वह क्या कहता है कि इनका हम कितने गुणा, तो हमने इनका गुणा किया और इस प्रकार हम इन संख्याओं को 125 प्रकार से चुन सकते। आपको ये प्रश्न जब भी होगा तो इसमें कंडीशन दी हुई कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है या नहीं, ये आपको विशेष तौर पर प्रश्न में देखना होगा। अब हम दूसरे वाले उस पे जाते हैं,
जब अंकों की पुनरावृत्ति ना की पुनरावृत्ति ना हो रही तो हमें वही तीन अंकीय संख्या के लिए कितने स्थान भरने हैं। चलिए तीन स्थान भरने हैं। अब हमारे पास दिए गए अंक 5 हैं, यानी इकाई के अंक को हम 5 प्रकार से, इकाई के स्थान को 5 प्रकार से भर सकते हैं। अब 5 में से जब एक संख्या यानी हमने चुन ली, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, तो बाकी बची संख्याएं हमारे पास कितनी रही अब, क्योंकि एक हमने यहाँ भर दी, यानी इकाई के स्थान को हम 5 प्रकार से भर दी। अब हमारे पास 4 संख्याएं बची, तो दहाई के स्थान को भरने के लिए 4 संख्याएं। ठीक इसी प्रकार जब जो 4 संख्या थी उसमें से भी एक लिखा गई, तो अब हमारे पास सैकड़े के स्थान भरने के लिए बाकी बचे अंक केवल कितने हैं, 3। यानी हमारे पास हम कुल कितने प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं, 3 × 4 × 5, यानी कितना हुआ, आप गुणा आसानी से कर सकते हैं, गुणा करना कोई कठिन काम नहीं है। तो ये एक पहला शायद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम अभी कोई परमुटेशन अर्थात क्रमशः का कोई फार्मूला नहीं लगा रहे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम आधारभूत सिद्धांत से ही करने के लिए। हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा शायद आपको। अब इसमें एक कंडीशन दे दी, देखिए तहत कैसे इसको आधारभूत गणना सिद्धांत से हल करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ आपको 1 से लेकर 6 तक के अंक दिए गए हैं। बनाना आपको वही पिछले प्रश्न की तरह 3 संख्या है और अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति ऐसा कंडीशन दिया है। पर सबसे बड़ी शर्त दी है कि हमें जो संख्याएं बनाना है वह संख्याएं बनाना। तो हम देखें इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे। हमें अभी आधारभूत सिद्धांत से ही इसे हल करना है। तो देखिए हमें अंक दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें संख्या बनानी है 3 अंकी, यानी इकाई का स्थान भरना होगा, दहाई का स्थान भरना होगा और सैकड़े का स्थान। अब हम देखें तो हमारी जो सबसे बड़ी शर्त है वह है सम संख्या। तो आपको मालूम ही है सम संख्या कौन सी कहलाती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो निश्चित ही सम संख्या के लिए पर 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं आएंगी। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो संख्या दी गई है उसमें इकाई के स्थान के लिए 2 चुन सकते हैं, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी पहले हम इकाई का अंक फिलअप करेंगे, तो अंकों के रिपीटेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम इन अंकों को यहाँ पर इकाई के स्थान को कितने प्रकार से जमा सकते हैं, 3 प्रकार से, केवल 3 प्रकार से। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर न तो 1 आ सकता है, न 3 आ सकता है, 5, यानी जो भी आएगा वो इन्हीं में से कोई 2, 4, 6 में से ही आएगा। तो उसे हम कुल 3 प्रकार से चुन सकते हैं। अब हम दहाई के अंक पर आते हैं, क्योंकि हमें जो शर्त दी गई है पुनरावृत्ति संभव है। पुनरावृत्ति संभव है का मतलब है कि ये जो 6 अंक हैं इनमें से कोई भी सैकड़े के स्थान पर, तो कुल हमें कितने अंक दिए हैं, 6।
ये नहीं मानेंगे यहाँ पर कि ये जगह फिलअप हो गई, ये केवल इकाई के अंक के लिए है। अब हम दहाई पर तो हमें वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी दहाई के अंक को हम 6 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को भी हम 6 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। अतः बनने वाली संख्याएं, अतः संख्याएं कौन कौन सी, कितना बन, कितने प्रकार से हमारे पास संख्याएं बनेंगी, 6 × 6 × 6। तो बच्चों ये हम बात कर रहे थे आहार सिद्धांत। यदि आप लोगों के सामने पुस्तक है तो आप एनसीईआरटी की जो आपका चैप्टर कंचय संचय है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट निकालिए और हम पूरे क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। बेटर होगा कि हमें बहुत आसानी हो जाएगी यदि हम समझ लेते हैं। तो निकाली आपने पुस्तक सभी ने, आपने पुस्तक निकाली सभी बच्चों ने, कुछ बच्चे तो निकालते दिख रहे हैं पर ये कुछ बच्चे बैग नहीं खोले हैं। बेटा खोल लीजिए तो हो सकता है कि हमारी ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट हो जाए। चलिए केवल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको ओरल समझाऊंगी, क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बंगला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने, प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। यानी हमें जो अल्फाबेट दिया है वो दिए हैं 10, कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ कोई उसने बताया नहीं है, पर जो हमें अल्फाबेट दिए हैं वो 10 दिए। मान लो ए से शुरू होकर जहां तक भी जाए 10 अल्फाबेट दिए। अब हमें बनाना कितने अंक ये है, 4 अक्षरों को लेके कोड बनाना है। यानी हमें जगह कितनी फिलअप करना है, 4 जगह, 1, 2, 3, 4। अब इसमें हम आगे से भी जमा सकते हैं क्योंकि अंक वाला कोई मामला नहीं है, जो हम इकाई से चलें तो 4 स्थान भरने हैं। अब हम सबसे पहले प्रश्न में यह देखें कि क्या उसने अंकों की पुनरावृत्ति करने को बोला है या नहीं। तो हम देख रहे हैं तीसरे में कि यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, अर्थात एक बार जो अक्षर लिख दिया अब कुल में से कम हो जाएगा। तो हमारे पास कुल 10 अक्षर दिए, हम पहले स्थान को 10 प्रकार, 10 में से कोई भी एक लेके भर सकते हैं, यानी हमारे पास 10 ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार जब एक ऑप्शन यहाँ फिलअप हो गया तो दूसरे स्थान को भरने के लिए अब हमारे पास, चूंकि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, हमने एक स्थान भर दिया है या एक अल्फाबेट चुन लिया है, तो अब हमारे पास 9 अल्फाबेट बचते हैं। यानी दूसरे स्थान को हम 9 प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब 9 में से एक दूसरे नंबर पर आ गया तो हमें तीसरे स्थान को भरने के लिए अब हमारे पास केवल 8 ऑप्शन है। यानी दूसरे स्थान को हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार अंत में जो चौथा स्थान है, जब तीसरे स्थान पर आ गया है तो अब हमारे पास अल्फाबेट केवल 7 बचे हैं। यानी चौथे स्थान को भरने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शन। तो कुल हमारे जो संख्याएं बनेंगी वो हम इनका गुणा कर देते हैं, अर्थात 10 × 9 × 8 × 7। क्या गुणा भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि कर लेंगे आप लोग, ये गुणा कर पाएंगे ना, इतने तो 11th में आके हो जाता है। तो ठीक है गुणा मैं नहीं समझा, केवल मैं मेथड। तो यह क्वेश्चन जो था हमारा, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है।
समझ में आया है बच्चों? आ रहा है समझ में? अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। कंडीशन बहुत जरूरी है जानना, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की। तो हम क्वेश्चन को फिर देखें, हमारे पास अंक दिए हैं 0 से 9 तक, और प्रथम स्थान दो स्थानों पर उसने बोला है 67 आना ही चाहिए, हमें 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। तो हम देखें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। हम इसको देखते हैं, हमारे पास 0 से 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी डिजिट दी हुई है। अब इन डिजिट में से हमें 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। हम देखिए, हम बॉक्स बना लेते हैं, आसान होता है। हमने बॉक्स बनाया 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 स्थानों को फिल अप करना, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। प्रथम दो स्थानों को हमें 67 लिखना ही है, तो इसमें से हमने 6 और 7 प्रथम दो स्थान पर लिख दिया। अब हमें यह मस्ट है कि हमें 67 तो शुरू में दो में लिखना ही था। अब हमारे पास स्थान बच रहे हैं 1, 2, 3, जिसमें से 67 हमारा चला गया, 6 और 7 जम गया। अब हमारे पास ऑप्शन तीसरे स्थान को भरने के लिए कितने बचते हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी तृतीय स्थान को भरने के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन। यह तो हमारा पहले से ही भरा था। अब चौथे स्थान को जब हमने 8 में से 1 यहाँ जमा दिया, तो हमारे पास चौथे ऑप्शन को भरने के लिए केवल 7 डिजिट बची, यानी चौथे स्थान को हम 7 बार से जमा सकते हैं। और जब 7 में से 1 डिजिट चौथे स्थान पर आ गई, तो अंक अंत में 5वें स्थान को भरने के लिए हमारे पास केवल 6 ऑप्शन है, यानी हमें दिए तो कुल 10 अंक थे, लेकिन 2 प्रारंभ में जम जाने के कारण और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, तो हमारे पास केवल 8 ऑप्शन बचे। 8 ऑप्शन में हमारे पास 3 जगह भरनी है। तो पहले स्थान को हम 8 प्रकार से भर लिए, दूसरे स्थान को हम 7 प्रकार से भर देंगे क्योंकि हमारे पास 7 डिजिट बचेंगे, और तीसरे स्थान पर 6। इस प्रकार हम 8×7×6 प्रकार से नंबरों का चयन गुणा करने के बाद, गुणा मैं नहीं कर रही हूँ इतना आपको, तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम 5वें क्वेश्चन को तो मुझे लगता है शायद आपको नहीं बताना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक डाइस को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास हेड या टेल आता है, तो एक बार में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा जब हम उछालते हैं, डाइस वही है
तो वही हेड और टेल में से आना है। अर्थात तीसरी बार भी हमारे पास दो ऑप्शन है, तो कुल ऑप्शनों की संख्या हमारे पास हो गई 2 × 2 × 2। तो बच्चों हो सकता है कि आपको क्रम से संख्याओं का चयन करने में इन उदाहरणों के द्वारा आसानी होगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। लास्ट ऑप्शन है उसका, क्वेश्चन का लास्ट है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत 2 झंडों एक के नीचे एक प्रयोग करके आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आपको मालूम है एक के नीचे एक यानी एक और एक, ये 2 हो गए, हमारे पास 5 थे। तो पहले वाले स्थान को फिलअप करने के लिए पहले यहाँ पर झंडे जो 5 झंडे थे उनमें से पांचों में से कोई सा भी आ सकता है, यानी पहली रो को हम 5 प्रकार से झंडों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी रो आएगी तो 5 जम में से एक यहाँ झंडा जब आ जाएगा तो दूसरी रो के लिए हमारे पास केवल 4 ऑप्शन बचते हैं। तो इस प्रकार हम झंडों को 5 × 4 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो ये हमारा गणना का आधारभूत सिद्धांत पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। अब एक नए शब्द से आपका परिचय करें। अभी हमने बार बार स्थान को फिलअप करके और क्वेश्चन किए, एक शॉर्ट ट्रिक होती है उसका प्रयोग करके ही हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें एक नया शब्द जुड़ने जा रहा है, क्रम गुणित संकेतक। अभी देखा मैंने जितने क्वेश्चन किए उसमें क्रम से संख्याओं का गुणा हुआ। कोई सा भी क्वेश्चन लिखे हम, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया था तो इसमें भी 8 फिर 7 फिर 6 आया। हम ये क्वेश्चन लिखे हैं इसमें भी 5 और फिर क्रम से 4 आया। तो के लिए गणितज्ञों ने सोचा क्यों ना एक संकेत बना दिया जिसके द्वारा क्रम गुणित को शॉर्ट में दिखा दिया। करना वही है क्रम से गुणा। तो ये जो क्रम गुणित संकेत है इसे फैक्टोरियल नाम दिया, यानी जब संख्याओं का क्रम होता है तो एक साइन या एक चिन्ह बनाया गया जिसको हमने फैक्टोरियल नाम दिया। वह चिन्ह किस प्रकार का होगा हम देखें, यह चिन्ह इस प्रकार का होता या इस प्रकार का भी होता है। अब इससे क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया यानी फैक्टोरियल, इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर कितना लिखा है 5। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 5 के पीछे एक बार बना के एक डॉट लगाना तभी फैक्टोरियल का साइन है। अब इसका तात्पर्य क्या, जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, क्रम गुणित संकेत यानी क्रम से गुणा। बच्चों अभी जो क्वेश्चन हमने किए उसमें क्रम से गुणा या तो 5 × 4 हो गया या 5 × 4 × 3 हो सकता था, लेकिन इस संकेत का अपना एक मतलब है, इसमें हमें क्रम से 1 तक जाना ही होगा। यानी अगर 5 × 4 है तो हम इसे इस संकेत में नहीं लिख सकते जब तक कि यह बैकवर्ड काउंटिंग 1 तक नहीं जाती है। यानी यह चीज और यह चीज बराबर है। कहने का मतलब यह है कि फैक्टोरियल का तात्पर्य जो संख्या फैक्टोरियल में लिखी है उसे बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टी गिनती घटते क्रम में हमें 1 तक ले जाना है। अब इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर क्रम में नहीं होगा तो
तो हम फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हैं। अब देखें, हम यहाँ पर अगर ये पांच को मैं बाहर लिख दूं, यानी पांच को मैं अलग कर दूं, तो ये बची संख्याएं का उल्टा क्रम क्या होगा? 4, 3, 2, 1। यानी इसको अगर फैक्टोरियल में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 5 × 4। मैं 4 को भी बाहर कर दूं तो 5 × 20 बाहर हो जाएगा, और फैक्टोरियल में उल्टी क्रम कहाँ से है? 3, 2, 1। यानी क्या आएगा फैक्टोरियल में? 3। तो यह फैक्टोरियल में लिखने का तरीका हुआ। प्लस ये भी हमने बताया आपको कि यदि हम किसी संख्या को बाहर डाल लेते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर 1 माइनस हो जाता है। जैसे 5 निकाला अगर फैक्टोरियल के अंदर से, तो 5 में से 1 कम हुआ, यानी फैक्टोरियल में कितना बचा? 4। ठीक इसी प्रकार अगर मैंने 4 भी निकाल लिया, लिखा है अर्थात मैं अगर इसे लिखूं 5 × 4, यानी 4 भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो फैक्टोरियल के अंदर 1 माइनस होके कितना बचा? 3। अर्थात यदि किसी संख्या को फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर 1 माइनस होकर आता है। अब इसके विपरीत यदि हमें फैक्टोरियल के अंदर ले जाना है, जैसे अगर यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, अब यदि मैं चाहूं कि 6 फैक्टोरियल के अंदर लिख दो तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जा सकता है 6 को फैक्टोरियल के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 और 4 में 2 अंकों का अंतर है। यदि 5 होता तो मैं क्रम से 5 के बाद 4 आता ही है, 5 को फैक्टोरियल के अंदर लिख सकते हैं। पर यदि मेरे को 6 लिखना है तो उसके पहले मुझे यहाँ बीच में कौन सी संख्या नहीं है? 5। यानी 6 के बाद क्या आना था? 5। 5 नहीं होने से मैंने 5 का गुणा भी किया और 5 का भाग भी किया। इससे प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और फैक्टोरियल 4 हमारा था ही। अब हम पहले 5 अंदर जाएगा क्योंकि 5 बाहर वाला 1 अधिक है, तो 5 अंदर जा सकता है। फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 5 अंदर चला गया, बटे में जो 5 हमने भाग किया था वो है ही। ठीक इसी प्रकार 6 भी ये बाहर वाला 1 अधिक होने से फैक्टोरियल के अंदर जा सकता है, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। अर्थात यदि हम बाहर लाते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर 1 कम होता है, और यदि हमें कोई संख्या बाहर से फैक्टोरियल के अंदर ले जाना है तो वहां पर बाहर वाला जब तक 1 अधिक नहीं होगा तो वह फैक्टोरियल के अंदर नहीं जा सकती। तो इस प्रकार बच्चों हमने फैक्टोरियल के बारे में चर्चा करी। अब एक आध एग्जाम्पल के द्वारा फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा, यह फैक्टोरियल का ही साइन है, मैंने अभी आपको स्पष्ट किया फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 1/, मैं मुझे आदत इस प्रकार से लिखने की है लिख दिया, प्लस 1/7 = x/8। चूंकि है तो समीकरण, समीकरण के नियम होते हैं कि हम दोनों पक्षों की तुलना करना पड़ता है, तो तुलना करने में दोनों पक्षों का एक जैसा होना जरूरी है। यहाँ x का मान नहीं मालूम है, लेकिन हर में हमें फैक्टोरियल में 8 दिखाई दे रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में अपॉन फैक्टोरियल 8 लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे आता है। देखें यहाँ पर हम ये 7 को फैक्टोरियल 8 बनाएंगे और 6 को भी फैक्टोरियल 8 बनाएंगे, तो 1/1 स्टेप हम
एक संख्या जो हमें चाहिए यहाँ छह के जगह सात लाने के लिए बाहर सात का होना जरूरी था, बाहर फैक्टोरियल के बाद सेवन नहीं है, ही चलेगा बच्चों। इसका नाम ही है क्रम गुणित, यानी क्रम से होना चाहिए। तो छह के पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, सात, क्योंकि यहाँ सात नहीं है तो मैं क्या करूंगी, सात का अंश में भी गुणा करूंगी और हर में भी। तो मैं किया और सात का हर में करा, फैक्टोरियल अपनी जगह है, प्लस यहाँ सात के पहले क्या होना चाहिए, आठ, क्योंकि आठ नहीं मुझे फैक्टोरियल एट बनाना, उसकी मैं क्रिया कर रही हूँ। तो फैक्टोरियल सात है, हमें क्या बनाना है, फैक्टोरियल आठ, तो क्रम से ही है, यानी आठ बनाने के लिए मैंने आठ का अंश में भी गुणा किया, आठ का हर में भी गुणा किया, फैक्टोरियल सेवन अपनी जगह इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल एट। अब हम देख रहे हैं यह क्रम से है, अर्थात बाहर वाला एक अधिक है तो ये अंदर हो सकता है, यानी मैंने इसको लिख दिया सेवन अपॉन फैक्टोरियल, ये सात अंदर चला गया, प्लस एट अपनी जगह अपॉन में, यहाँ भी किया क्रम से है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एट इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल एट। अब हम देख रहे हैं कि हर में यहाँ तो फैक्टोरियल आठ बन गया है क्योंकि हमें फैक्टोरियल एट की आवश्यकता है, पर यहाँ फैक्टोरियल एट नहीं बना है, तो वही अभी हमने ऊपर किया, वैसे क्रम से यहाँ आठ लाने के लिए मैंने सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन में आठ का गुणा भी किया, आठ भाग भी किया, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल एट बन चुका है। एट अपॉन फैक्टोरियल एट एट। अब हम देखते हैं यहाँ से बाहर वाला एक अधिक है, यानी ये फैक्टोरियल के अंदर जा सकता है, यहाँ अंश में अंश का गुणा किया, आठ में सात का गुणा किया, 56 अपॉन यह फैक्टोरियल में अंदर हो गया, यानी ये आ गया फैक्टोरियल एट, प्लस एट अपॉन फैक्टोरियल एट इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल एट। अब हम आगे देखें, यहाँ दोनों जगह फैक्टोरियल एट है, फैक्टोरियल एट एलसीएम आया, तो हमारा यह हम इसे कॉमन भी ले सकते थे अपॉन के बाहर, तो यहाँ हमारा बचा 56 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल 8। यहाँ जब तुलना करेंगे या हम ये कहेंगे कि ये इससे कैंसिल हो गया, अर्थात x की वैल्यू हमारी, अगर हम 56 में 8 ऐड करेंगे तो हमें x का आंसर 64। तो बच्चों फैक्टोरियल को कैसे बाहर लाना है, फैक्टोरियल से कैसे अंदर ले जाना है, यह हमने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा लिया। यदि इसमें आपको कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर करिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ले लीजिए, जहां भी डाउट है पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, या तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, या आप कुछ पूछने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। आपको कुछ डाउट हो तो बच्चों पूछिए। अभी केवल आज हमने आधारभूत सिद्धांत और क्रम गुणित संकेतक पर विचार किया है। किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आज का टाइम पूरा हो रहा है। थैंक यू बच्चों।